काटकर युवक की हत्या। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या के बाद घर में छुपा युवक, हत्यारे ने की कई राउंड फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गोली लगने से एक युवक जख्मी। मौके पर पहुंचा एसपी समेत भारी पुलिस बल, पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली। पुलिस ने घायल आरोपी को किया गिरफ्तार। टाटा कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर चौराहे का मामला, कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या। अंबेडकर नगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या के बाद घर में छुपा युवक, हत्यारे ने की कई राउंड फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गोली लगने से एक युवक जख्मी। मौके पर पहुंचे एसपी समेत भारी पुलिस बल। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं अंबेडकर नगर से। रोशन, क्या है पूरा मामला? सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, अंबेडकर नगर के थाना टांडा का मामला, जहां जमीनी विवाद को लेकर के पहले तो एक युवक दूसरे युवक के घर जाता है बातचीत समझाने के लिए, लेकिन विवाद सुलझता ना हो देख करके जो आरोपी युवक ने उसको कुल्हाड़ी से पहले उसको मारकर घायल कर दिया, फिर उसके फौज खुद काट के हत्या करी। सबसे बड़ी बात है कि जब आरोपी को लोग पकड़ने के लिए उसको मकान में दौड़ते हैं तो मकान बंद करके अपने छत पे चढ़ जाता है और वहां से हवाई फायरिंग करता है। सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं पुलिस को भी फायरिंग गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस बाल बाल बच जाती है। उस घटना में एक युवक भी घायल हो गया है, हालत गंभीर बताई जा रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अंबेडकर नगर से संवाददाता जुड़े थे। कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्रों की जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बेवर रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला, कॉलेज के कमरों की हालत जर्जर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हादसे के डर के साए में छात्र, कमरे के छत पर बड़ा बीम चटका। बड़ी खबर सामने आ रही है, जर्जर कमरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कमरे की छत की सरिया भी दिखाई दे रही। कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। तस्वीरें देख सकते हैं आप, छात्रों की जिंदगी के साथ हो रहा खिलवाड़। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बेमवर रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, कॉलेज के कमरे की हालत जर्जर। इस खबर पे मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़े हुए हैं। सुंदरम, क्या है पूरा मामला? जी, ये जनपद फरुखाबाद के थाना कोतवाली फतेहगढ़ बेवर रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक जो है उसका मामला यहाँ पे संज्ञान में आया। वायरल हुआ वीडियो जो चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में, कि जर्जर बिल्कुल हालात में जो कमरे हैं उनकी सरिया निकली हुई है, बीम जो है टूटा हुआ है, प्लास्टर छूट के गिर रहा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और बिल्कुल किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती है और बच्चों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है, और ऐसे में वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। इस संदर्भ में जब वहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कॉल अटेंड नहीं हो पाई है, और अभी तक यहाँ का जिला प्रशासन इस बात पर संज्ञान लेने में असमर्थ है, मूक दर्शक बना हुआ है। जी बिल्कुल, इस खबर पे छात्रों का क्या कहना है सुंदरम? छात्र भाई भाई के भयभीत हैं, उनका यही कहना है कि हमारी जान को खतरा है और किसी भी समय कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आप जान सकते हैं प्लास्टर टूटा हुआ है, बीम भी टूट चुका है, सरिया बाहर निकली हुई है, किसी भी समय उनकी बड़ी घटना हो सकती है और छात्र भयभीत हैं। क्या सारे कमरे इसी तरह जर्जर है जैसा तस्वीरों में देखने को मिल रहा है? हाँ, लगभग जो बिल्डिंग है उसके आधे से ज्यादा कमरों में ऐसी हालत है, और वायरल वीडियो में और फोटोज में आप देख सकती हैं कि ज्यादातर कमरों का जो है कि बहुत ही जर्जर हालत में एक तरीके से बिल्डिंग हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, कृषि कानून की वापसी पर बिल हुआ पास। हंगामे के बीच लोकसभा में बिल पास, हंगामे के चलते कई बार सभा हुई स्थगित। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, कृषि कानून की वापसी पर बिल हुआ पास। हंगामे के बीच लोकसभा में बिल हुआ पास, जिसके बाद राज्यसभा में भी हुआ पास। हंगामे के चलते कई बार स्थगित हुई सभा। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा,
एनआईटेट परीक्षा का पेपर लीक होने से नाराज। सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सुल्तानपुर से खबर सामने आ रही है, जिलाधिकारी के माध्यम से दिया पत्र, राज्यपाल को भेजा 3 सूत्रीय मांग पत्र। यूपीटेट परीक्षा का पेपर लीक होने से नाराज। सुल्तानपुर से खबर सामने आ रही है, सपा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से दिया पत्र, राज्यपाल को भेजा 3 सूत्रीय मांग पत्र। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पहुंचे अयोध्या, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू। राम जन्मभूमि परिसर में चल रही बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र कर रहे बैठक, बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के कई सदस्य मौजूद, राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर बैठक, बैठक में मंदिर की सुरक्षा पर हो रही चर्चा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी हुई चर्चा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पहुंचे अयोध्या, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू, राम जन्मभूमि परिसर में चल रही बैठक, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र कर रहे बैठक, बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के कई सदस्य मौजूद, राम मंदिर निर्माण कार्य पर हो रही बैठक, बैठक में मंदिर की सुरक्षा पर भी हो रही चर्चा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी चर्चा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पहुंचे अयोध्या, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू, राम जन्मभूमि परिसर में चल रही बैठक, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र कर रहे बैठक। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम मंदिर को लेकर यह बैठक चल रही है। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, बैठक के चलते क्या कुछ तैयारी की गई है और कौन कौन मौजूद है बैठक में? बिल्कुल सिखा, अगर देखा जा रहा है तो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय है, उसके बाद नृपेंद्र मिश्र है और जिला प्रशासन है उनके साथ में, और इसको लेकर के एक सुरक्षा राम जन्मभूमि के लेकर के बैठक की जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी बैठक हुई थी तो उसमें सुरक्षा के लिए सुरक्षा के मानकों को कुछ लेकर के उन्होंने ये बोला था कि ठीक है इनका समय बढ़ाया जाएगा, जो कि श्रद्धालुओं को लेट हो रहा था देखने के लिए, ठीक है, तो इसको लेकर के एक बड़ी बैठक आज की जा रही है, अभी बैठक चल रही है, अभी निष्कर्ष जो है वो शाम तक निकल के आएगा, क्या हल निकलता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से। उन्नाव में हिंसक जानवर बाड़े में घुसा, उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, बाड़े में बंधी 175 भेड़ों को मौत के घाट उतारा, लगभग 50 भेड़ को उतारा मौत के घाट, खून से लथपथ मिली 50 भेड़े। और आज थाना क्षेत्र के जमाल नगर का मामला सामने आ रहा है, चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ हुई इकट्ठा। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, एक दर्जन भेड़ एक्सप्रेसवे के किनारे जंगल में मिली, भेड़ मालिक के अनुसार 3 लाख का हुआ नुकसान, लेखपाल और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया गया। उन्नाव में हिंसक जानवर बाड़े में घुसा, उन्नाव से खबर सामने आ रही है, बाड़े में बंधी 175 भेड़ों को बनाया शिकार, लगभग 50 भेड़ों को उतारा मौत के घाट, खून से लथपथ मिली 50 भेड़। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं। चैतन्य, कौन सा जानवर बाड़े में घुस गया था और कितने भेड़ों को मौत के घाट उतारा? जी बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला औरा थाना क्षेत्र के जमाल नगर का है बताया जा रहा है, और जहाँ पे बाड़े में कम से कम 175 भेड़ बंधी हुई थी, वहीं 50 भेड़ को मौत के घाट जो है उतारा गया, और वो जब लोगों को सूचना मिली उसके बाद हड़कंप मच गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता चैतन्य जुड़े थे। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को कोर्ट में किया गया पेश, कोतवाली नगर पुलिस ने
कोर्ट में किया पेश। सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को भेजा गया जेल। 28 नवंबर को एसटीएफ ने अयोध्या से किया था गिरफ्तार। मैनपुरी सुल्तानपुर अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं सॉल्वर गैंग के आरोपी। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य कोर्ट में हुए पेश। कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट में किया था पेश। सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को भेजा गया जेल। 28 नवंबर को एसटीएफ ने अयोध्या से किया था गिरफ्तार। मैनपुरी सुल्तानपुर अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं सॉल्वर गैंग के सदस्य। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके देखा जा रहा है कि टीईटी को लेकर के कल परीक्षा रद्द हुई थी, उसको लेकर के सबसे बड़ी कामयाबी जो है यूपी एसटीएफ को अयोध्या से भी मिली है, जिसमें 3 सदस्य गिरफ्तार हुए थे और इन 3 सदस्यों के जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर के हैं और अंबेडकर नगर के, ये 3 हैं। कल ही शाम को इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इनको आज जो है यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस जो है वो इनको ले जाकर के कोर्ट में पेश की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मास्टर राघवेंद्र जुड़े थे। रोडवेज बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। भयानक टक्कर से बस में लगी भीषण आग, टक्कर से कई लोगों की हालत गंभीर, बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से। मौके पर घायलों की मदद के लिए पहुंची एम्बुलेंस। थाना हरचंदपुर क्षेत्र के टांडा गांव के पास का मामला, रोडवेज बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, भयानक टक्कर से बस में लगी भीषण आग, टक्कर से कई लोगों की हालत गंभीर, रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर घायलों की मदद के लिए पहुंची एम्बुलेंस। थाना हरचंदपुर क्षेत्र के टांडा गांव के पास का मामला। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, किस तरह हुआ ये भीषण हादसा और कितने लोग इसमें घायल हुए? देखिए, ये 4-लेन रोड है लेकिन एक तरफ सड़क निर्माण का काम चल रहा है, तो एक लेन को ही दोनों लेन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रक और बस की टक्कर हुई है और जिससे बस में आग लग गई है, जिससे 8 से 10 सवारियां गंभीर रूप से घायल हैं। मैं खुद जिला अस्पताल में हूँ अभी, जो है 3 से 4 सवारियां यहाँ पर आई है, काफी स्थिति खराब है। अभी 7 से 8 सवारियां और भी आनी है जो वहाँ मौके पर पड़ी हुई है। जी कितने लोग कुल घायल हुए हैं अभी तक ओम शंकर? अभी जो सूचना मिल रही है वो 8 से 10 लोगों की सूचना मिल रही है, जिसमें 3 लोग ही जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंच पाए, शेष से 7 से 8 लोग अभी रास्ते में ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से।